हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिनव राजवंशी और वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। आप सबका स्वागत है मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट में और मैं अभिनव राजवंशी आज आप लोगों को ब्रिज इंजीनियरिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट आप लोगों को आरआरबी के रिगार्डिंग लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा है, तो उसी सीरीज में जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा वो ब्रिज इंजीनियरिंग का है। तो देखिए, ब्रिज इंजीनियरिंग जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है, जो कि एक सब्जेक्ट है जो आपके सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग मतलब आपका उसमें ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन के कुछ सेक्शंस हैं लाइक रेलवे, हाईवे और ब्रिज और टनल। तो टनल भी आपका, आपने शायद लेक्चर्स देखे हों, तो जो उसमें से जो नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का वो है आपका ब्रिज इंजीनियरिंग। तो आज हम बात करेंगे ब्रिज इंजीनियरिंग। तो देखिए, हम अगर देखें कि आखिर ब्रिज इंजीनियरिंग में अगर बेसिकली हम देखना चाहें सबसे पहले कि ब्रिज आखिर क्या है, तो ब्रिज को अगर हम किस हिसाब से देखेंगे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कहीं कि ब्रिजिंग द गैप, या फिर कि आप जो है कि कनेक्टिविटी को ब्रिज कर रहा है। मतलब क्या है कि किन्हीं दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक बेसिक जो हमने कहावत सुनी है उसको अगर देखें कि ब्रिजिंग द गैप, ब्रिजिंग द गैप, तो क्या मतलब है इसका? तो देखिए, गैप क्या है यहाँ पे, आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक फिजिकल ऑब्स्टिकल्स, फिजिकल ऑब्स्टिकल्स लाइक रिवर बॉडीज, या फिर आपका वाटर बॉडीज में कोई भी वाटर बॉडी, छोटी है, रिवर है, नहर है, या आपकी कोई कैनाल है, तो ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल बॉडीज में आ जाएंगी। मतलब फिजिकल जैसे कि आपकी वाटर बॉडीज, ठीक है, वाटर बॉडीज। और क्या आ सकता है इसमें, और आपका आ सकता है कि रेलवे। मान लीजिए कहीं से रेलवे की लाइन जा रही है तो वहाँ पे हमको उसके ऊपर से हाईवे, एक रोड क्रॉस करानी है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमको ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा। तो हमारा एक जो नेक्स्ट ऑब्स्टिकल हो जाएगा वो आपका रेलवे हो जाएगा। और क्या देख सकते हैं, हाईवे। मतलब जो इन फॉर्म में गैप हैं हमारे, उनको जो ब्रिज करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है जो भी स्ट्रक्चर, वो आपका ब्रिज है। तो अगर हम देखें, अगर एक डिफिनीशन के टर्म में देखें, तो क्या कह सकते हैं कि एनी स्ट्रक्चर, ठीक है, एनी स्ट्रक्चरल फॉर्म built to span the physical obstacles without disturbing the underlying objects। तो अगर देखें, अगर हम खास स्पेशली बात करें कि आपकी जो वाटर बॉडीज हैं, तो सबसे पहले इनकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ी, वो मेनली पड़ी हमें वाटर बॉडीज के लिए। तो अगर प्रॉपर देखें हम डिफिनीशन अगर कि ब्रिज क्या है, तो उससे हमें पता चलता है कि यानी स्ट्रक्चरल फॉर्म built to span the physical obstacle without disturbing the underlying objects, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर हम इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करके दिखाएं आपको, तो क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ये हमारी वैली है, इसको अगर हम लिख दें वैली, ठीक है, तो अगर अप्रोच रोड ये हम दे दें, अप्रोच रोड वन ये बता दे रहे हैं, अप्रोच रोड टू ये कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस रोड को इस पॉइंट से, इस रोड के पॉइंट से कनेक्ट करना है, तो यहां हमको एक स्पैन देनी पड़ेगी, और ये जो स्पैन है यही आपका एक ब्रिज का फॉर्म है, जो कि आपको इस पॉइंट से उस पॉइंट तक कनेक्ट कर रहा है।
मतलब कि हमारे लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन था, जो हमारे लिए ऑब्स्टिकल था कि हम इस पॉइंट से वहां तक कैसे जाएं, तो ये ब्रिज ने उसको पूरा कर दिया। तो यहाँ पे हमें ब्रिज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए सबसे पहले जो हमारा जो कॉन्सेप्ट ये आया वो रिवर्स और जो वाटर बॉडीज हैं उनको क्रॉस करने के लिए, उनको उनके थ्रू आउट कनेक्ट करने के लिए ही इसका यूज हुआ। तो अगर देखें कि देखिए अब यहाँ पे जैसे ये स्पैन है, तो सिंपली आप ये मत सोचिएगा कि ये ऐसे कैसे खड़ा है, ठीक है। तो इसको अगर हम देख एक जनरल बना दें, तो ये मान लीजिए आपका केबल ब्रिज है, ठीक है। हाँ, तो ये बस जनरल लेआउट है, आगे हम डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ें। तो अच्छा देखें कि अगर हम देख इस चीज़ को फर्दर सोचें कि आखिर ये कॉन्सेप्ट कब आया, कहाँ से आया, और मतलब किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ी हमें इस चीज़ की, आखिर ब्रिज की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। तो देखें क्या, अगर सबसे पहले आपने देख ही लिया है कि अगर कोई भी फिजिकल ऑब्स्टेकल है तो उसको क्रॉस करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ब्रिज की। क्यों? क्योंकि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है, ऑब्वियसली, ठीक है। और वहां पे जैसे अगर फर्दर अगर हम ऑप्शंस देखें, टनलिंग का ऑप्शंस वहां पे कन्वीनियंट नहीं है और बाकी कोई मेथड्स नहीं यूजेबल हैं, तो हमें वहां पे ब्रिज का काम देना पड़ता है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। और अगर अब देखें कि आप सोचिए कि मान लीजिए कि ब्रिज क्या आज की चीज़ है, आज हम जो देख रहे हैं इतना सारा, हर जगह ब्रिज देखते हैं, काफ़ी कोई भी रेलवे है, कोई भी हाईवे है, तो कहीं ना कहीं ब्रिज के थ्रू जा रही है, कहीं ना कहीं ब्रिज के ऊपर या नीचे से कहीं क्रॉस कर रहे हैं, मतलब हमने ब्रिज बहुत देखे हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये आज की चीज़ है? नहीं, ऑब्वियसली ये बहुत पहले से चली चीज़ें आ रही हैं। अब मान लीजिए कि अब बहुत काफ़ी पहले चले जाइए, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, RCCC में नहीं थी, ना ब्रिक्स थी, ना कुछ था, तब भी अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है और बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, कोई वाटर बॉडी आ रही है, तो उसको जो क्रॉस करने के लिए करते थे ना, तो कभी पेड़ को काट के, पेड़ का जो स्टेम होता था उसको काट के डाल दिया, उसी से क्रॉस कर रहे हैं, या फिर जब धीरे धीरे इनोवेशंस आना स्टार्ट हुई लोगों में, जब कुछ दिमाग कुछ लॉजिक लगाने लगे, तो उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे मिट्टी का पुल बनाना स्टार्ट कर दिया। लाइक मिट्टी जो है, मिट्टी को पूरा भर देते थे और फिर थोड़ा स्पैन छोड़ देते थे, वहाँ पे कुछ लकड़ी वगैरह डाल देते थे काट के। ऐसे उन्होंने फर्दर इनोवेशंस किए, उसके बाद उन्होंने आपका पत्थर डाल डाल के पूरा ब्रिज बनाना स्टार्ट किया। लेकिन क्या है कि वहाँ सब जैसे वो कन्वेंशनल मैथड था, मतलब क्या है कि उनको अगर ब्रिज बनाना है तो वहाँ पर पूरी मिट्टी डाल रहे हैं, मतलब बहुत सारी मिट्टी, बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशंस, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा मैन पावर, हर चीज़ एक्सेस में। और वैसे भी अगर आप देखें तो ब्रिज इंजीनियरिंग जो है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन जो सबसे कॉस्टली चीज़ मानी जाती है, ठीक है। तो अगर देखें उसके बाद, अगर हम माने कि स्टोन्स के बाद, तो स्टोन्स के बाद अगर देखें तो स्टोन्स के बाद लोगों में थोड़ा सा जब इनोवेशंस आई, ब्रिक बनाना स्टार्ट किया, तो ब्रिक ब्रिजेज जैसे आप आर्चेज वगैरह देखे होंगे, ठीक है। तो आर्चेज के बाद आपका जो ब्रिक्स वगैरह आई, उसके बाद जब सीमेंट और इन सब चीज़ों की, लोहे का, आयरन का, जब इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हुआ, तो लोग ऐसे बनाना स्टार्ट करना किए, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो इनोवेशंस हो रही हैं, जो आपका ब्रिज कंस्ट्रक्शन की जो जो टेक्नोलॉजी है, जो फंडामेंटल्स हैं उसके, मतलब वो धीरे धीरे इनोवेशंस में हो रहा है, डे बाय डे, टाइम बाय टाइम चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि आप अगर बात करें कि जैसे कि हमारे जो रीजन्स क्या हैं इनकी, कि आखिर ये डे बाय डे क्यों इतना इनोवेशन, जैसे बहुत पहले की बात कर ली, हमने लकड़ी के ब्रिज बना देते, लकड़ी को डाल देते थे, उसके बाद मिट्टी, उसके बाद स्टोन, ऐसे करके जैसे बताया, तो मतलब कहीं देखें अगर हम इसको आप लिख देते हैं, सबसे पहले अगर देखें तो उन्होंने पहले वुड का बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद आप अगर देखें तो सॉयल या सैंड, उसके बाद देखें अगर हम तो स्टोन, उसके बाद देखें अगर आयरन, कास्ट आयरन, और उसके बाद देखें अगर हम तो ब्रिक, ब्रिक या फिर आप स्टोन यहाँ भी कह सकते हैं, ब्रिक या स्टोन जो भी है, ठीक है। और इसके बाद अगर देखें तो हम आपका जो ये RCC प्री स्ट्रेस्ड, ये सब, तो मतलब यहां से यहां तक आप देखिए
किस हिसाब से इनोवेशंस हुई हैं, कितना डेवलपमेंट एडवांसमेंट्स हुए हैं कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, मतलब कि जो मटेरियल है ब्रिज कंस्ट्रक्शन का वो तो चेंज हो ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ उसके तरीके भी बहुत वैरी कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि आखिर ये इतना क्यों हो रहा है, तो अगर इसके एक हम पॉइंट्स देखें तो पॉइंट्स अगर देखें तो वो पॉइंट क्या है आइए बताते हैं आपको। तो बात कर रहे थे हम कि आखिर ये जितना इनोवेशंस हैं जो अगर हम पहले टाइम से और आज के टाइम पे अगर हम कंपेयर करें तो जो टेक्नोलॉजी है, ब्रिज बनाने के मेथड हैं, जो ब्रिज टाइप्स हैं, ये सब क्यों इतना चेंज हुए, तो इनका जो मेन रीज़न है तो अगर हम वो देखें रीजंस क्या हैं आखिर इनोवेशंस के, तो सबसे पहली बात तो है इंक्रीजिंग ट्रैफिक। ट्रैफिक इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से क्या है कि हमारा ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब हमको इतने ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए उतने एफिशिएंट ब्रिजेज भी चाहिए। अब अगर आप सोचो कि एक वुडन है वहाँ से क्या हम कोई व्हीकल निकाल पाएंगे, मान लीजिए हमने बाइक निकाल दी पकड़ के या बाइक कैसे भी निकाल दी, कैसे भी एनी आओ, क्या हम वहाँ से फोर व्हीलर निकाल पाएंगे, ट्रक निकाल पाएंगे, नहीं। तो ऐसे ही जब लोगों को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मिट्टी भर भर के बनाया, उसके बाद जब लगा कि वो काम नहीं कर रहा, बह जा रहा है, कभी फ्लड आया कुछ आया, मतलब वो ड्यूरेबल नहीं है, तब उसके बाद उन्होंने स्टोन बनाया, स्टोन का फिर आयरन का बनाया और फिर ब्रिक का बनाया, फिर आरसीसी का, ऐसे करके बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपका सस्पेंशन केबल्स वगैरह बहुत से एडवांसमेंट्स हुए हैं और आज भी चल रहे हैं। तो उसमें अगर क्या है कि जैसे आपको बताया था कि इंक्रीजिंग ट्रैफिक वॉल्यूम या ट्रैफिक कंजेशन कह देते हैं, तो मतलब हमारा डे बाई डे ट्रैफिक कंजेशन बढ़ रहा है, ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हमें मतलब और मजबूत और ड्यूरेबल पुल चाहिए, ब्रिजेज हमको उसके लिए बहुत अच्छे चाहिए, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अब अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो देखिए अगर एक किलोमीटर रोड की बात करें, अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो एक किलोमीटर नेशनल हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो अराउंड समवॉट 2.5 करोड़ से पड़ता है, ठीक है। तो अगर एक हाईवे में एक किलोमीटर के कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट जो है वो 2 से 2.5 करोड़ है, तो आप सोच सकते हैं जो ये आपका ब्रिज कंस्ट्रक्शन होता है ना, ये आपका एक किलोमीटर का इसके कई मल्टीपल टाइम्स होता है। आप ये भी नहीं सोच सकते कि अगर बोलें कि हम 10 से 15 करोड़, उससे भी ज़्यादा हो सकता है पर किलोमीटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो हमको कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बढ़ानी है। मान लीजिए हम आरसीसी पे आ गए, आरसीसी पे बना रहे हैं, आरसीसी का मतलब आरसीसी यूज कर रहे हैं ब्रिज बनाने में, लेकिन तब भी हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो क्या करेंगे उसमें फर्दर एडवांसमेंट्स करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको थोड़ा उसकी कॉस्ट कम करनी, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है हमको उसको, ठीक है। तो ये हमारे पहले दो पॉइंट हो गए आपके, इंक्रीजिंग ट्रैफिक कंजेशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। और अगर नेक्स्ट बात करें तो देखिए हमें क्या है कि आप कहीं भी लोकेलिटी में जा रहे हो, ट्रैफिक हो, तो आप देखते होंगे कि जैसे आजकल एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि लोगों को ना मतलब सहूलियत नहीं है कि मतलब आप कहीं थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, कहीं ट्रैफिक में फंसे रह सकते हैं, उनको कोई ना कोई तरीका चाहिए बस स्मूथली अपना फ्लो बना रहा है, ट्रैफिक फ्लो बना रहा है, मतलब उनको रुकना नहीं है। तो मतलब क्या है कि लोगों को आदत पड़ गई है कि एक फ्लो जो है ना, एक जो प्रॉपर फ्लो की ट्रैफिक चलता रहे, रुकना नहीं है, ठीक है। रेड लाइट पे भी लोग रूल्स ब्रेक कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको दे आर अकस्टम टू फ्लो ऑफ द ट्रैफिक, उनको बस ट्रैफिक के साथ उनको बस निकलना है, रुकना कहीं नहीं है, क्यों, क्योंकि टाइम की कमी है सबके पास। तो अगर देखें तो एक रीजन तो हो जाएगा कि आपका कि जो है टाइम, दूसरा रीजन अगर देखें तो पीपल आर अकस्टम टू ट्रैफिक फ्लो, तो उनको मतलब कंटिन्यू फ्लो चाहिए, तो फिर उसको हमको ब्रिज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कहीं पे अगर मान लीजिए कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो रोड क्रॉस कर रही या एक दो रोड है या एक सिंगल रोड है, वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो वहां पे क्या है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आ रही, सालों से आ रही हैं, तो क्या है कि वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगी।
तो मतलब की है कंटिन्यूअस एज पीपल आर अकस्टम टू दैट, मतलब ये आपके ये पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब देखिए, कोई भी ब्रिज बनना है तो हमको वहाँ पे सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब हमने प्लान कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है कि उसकी जो फेलियर एनालिसिस है और उसकी जो डिज़ाइन है और उसका जो रिस्क है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मतलब क्या है कि अगर हम बात करें तो जो रिस्क एनालिसिस है, मेंटेनेंस है और जो उसका मतलब जो आउटलुक है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जरूर, मतलब आप जैसे आजकल देख रहे होंगे बहुत से ब्रिजेस के बारे में बात चल रही होगी कि ये बहुत प्यारा, जैसे आप इलाहाबाद का नैनी ब्रिज देख लीजिए, 2004 में बना है, ठीक है, तो वो आपका केबल ब्रिज है, ठीक है। और जैसे ही आप अभी दिल्ली की बात कर लें, जो कि दिल्ली का आपको एग्जाम्पल दे देते हैं हम आपको, कि सिग्नेचर ब्रिज के बारे में आपने सुना ही होगा अभी, ऑलराइट, सिग्नेचर ब्रिज जो कि अभी 2018 में इनॉग्रेट किया गया है माननीय सीएम जो है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, क्यों, कहाँ पे, ये वजीराबाद और उधर साइड में किया गया है रोड पे। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो था, इतना ज़्यादा वहाँ पे कंजेशन था कि कई लोगों की डेथ हो गई, कई बार बहुत से मतलब कैजुअलिटीज ऐसी हुई कि जब वहाँ पे एक बार बहुत ज़्यादा, शायद कुछ साल पहले की बात है, वहाँ पे कुछ अराउंड 10 ईयर्स बैक शायद, तो तब कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा मेजर एक्सीडेंट हुआ था जब गवर्नमेंट ने सोचा कि वहाँ पे अब पुल की ज़रूरत है, उसके बाद प्लान बना, लेआउट बना, उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ, अब जाके यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है। तो ये जो आपका है ये कैंटिलीवर स्पार केबल स्टेट ब्रिज है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कभी कभी कि किस टाइप का ब्रिज है, तो ये 2004 में बना, क्या है, कैंटिलीवर स्पार केबल स्टेट ब्रिज। अब ये किस टाइप के कितने ब्रिज होते हैं ये हम बाद में भी बात करेंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ जो नई नई इनोवेशंस हैं, और ये अपने आप में एसिमेट्रिकल बैलेंस ब्रिज है, सबसे पहला इंडिया में अगर देखा जाए, ठीक है। तो मैं बात वही कर रहा था कि अगर एस्थेटिक्स मतलब लुक्स वगैरह में देखें और बात करें कि अगर सेफ्टी, तो ये सब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो फर्दर इनोवेशंस हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट कर सकते हैं कि एस्थेटिक्स एंड सेफ्टी, मतलब जो फर्दर इनोवेशंस हो रही हैं हमारे ब्रिज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, ब्रिज डिजाइनिंग में, और जो भी ब्रिज वर्क हो रहा है हमारा, तो उनमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना कि किस लिए हो रही, वो ये फैक्टर्स हैं। क्या हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, एक तो या तो ये रीज़न है, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिवनेस, हमको कॉस्ट को भी मेंटेन करना है, क्योंकि आपको जैसा बताया मैंने कि पर किलोमीटर जो है एक हाईवे की नॉर्मल कॉस्ट पड़ती है 2 से 2.5 करोड़ रुपए, तो मतलब आप इसको जो है कई मल्टीपल ऑफ टाइम्स में सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा होगा। तो मतलब इतना ज़्यादा हेवी और कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट होता है, तो उसको कम करने के लिए भी फर्दर इनोवेशंस होती रहती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। दूसरी बात है कि लोगों को टाइम की कमी है, लोग रुकना नहीं चाहते हैं, लोग बस कंटिन्यू फ्लो में रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और उसके बाद का क्या पॉइंट है कि आपका जो लुक, अब जैसे कि आप एक देखिए लुक एंड सेफ्टी, ठीक है, आप एक देखिए, आपने नाम सुना होगा शायद अभी न्यूज़ में रिसेंट में रहा है कि आपका जो महात्मा गांधी सेतु जो बिहार में है, ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल वन, एक एग्जाम्पल टू, महात्मा गांधी सेतु जो बिहार में है, तो ये अब हटाया जा रहा है, क्यों हटाया जा रहा है आखिर, अगर देखें ये क्या किस टाइप का था, एक तो ये कंक्रीट का था ब्रिज, बहुत पहले बना, गर्डर टाइप ब्रिज था, गर्डर, और इसमें क्या था कि जैसे इसको देखें अगर, तो ये कुछ ऐसे टाइप का बना हुआ था,
ठीक है। ये कुछ ऐसे टाइप का था गर्डर टाइप ब्रिज और ये था कंक्रीट का बना हुआ। अब देखिए अभी तक बहुत काम किया, बहुत लोड झेला इसने, ठीक है। और उस टाइम पे जब ये बना था उस टाइम पे बहुत अच्छा माना जाता था ये ब्रिज। क्यों? क्योंकि उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा था, एक नई चीज़ थी उस टाइम पे। लेकिन विद द टाइम अब ये उतना इफेक्टिव नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था कि बैड क्वालिटी ऑफ RCC यूज की गई थी, अब उतना लोड नहीं झेल पा रहा ये, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। तो इसको गवर्नमेंट ने प्लान किया है इसको डिसमेंटल करने का। अब इसके पैरेलल में एक नया ब्रिज बनने वाला है और जिस पे काम चल रहा है फर्दर, ठीक है। तो ये आपका इंडिया के ही दो ब्रिजेस की बात हो गई, एक जो बहुत पहले का बना है और एक जो अभी बना है। तो ये लेट जैसे कि है, इसमें कोई जो नई इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजी लगी है, जैसे कि आपको बताया मैंने कि सबसे पहला फर्स्ट इन क्लास एसिमेट्रिकल कैंटिलीवर, वो एसिमेट्रिकल कैंटिलीवर ब्रिज है आपका इंडिया में, ठीक है। अब जैसे ये है एक जो कन्वेंशनल मैथड था आपका कि गर्डर टाइप RCC का ब्रिज बना दिया हमने, पिलर्स दे दिए और यहाँ पर बीम डाल दी, यहाँ पर ये आपको पाथवे दे दिया, ठीक है। तो ये आपका है। अगर यहीं पे अगर एक और एग्जांपल देखें तो अगर बात करें सबसे पहले का ब्रिज का, अगर देखें तो अगर हम सबसे पहले एक मॉडर्न टाइम का अगर ब्रिज देखें तो आपको द आयरन ब्रिज का नाम सुनने में आएगा। द आयरन ब्रिज जो इंग्लैंड में है, और ये कब बना था, ये 1781 में बना था। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आपको देखें तो थर्ड द आयरन ब्रिज, ये क्या था कि ये कास्ट आयरन का बना था। अब देखिए यहां पे जरूरत क्या पड़ी, उस टाइम पे इंग्लैंड ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहे थे ट्रेड में। अब उनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो वहां पे जो नदी थी या जो भी वहां पे वाटरवे था उसको क्रॉस करने में प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब कहीं ना कहीं उनको ट्रेड में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको इधर से उधर माल करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने जो अपना उस टाइम पे जो इनोवेशंस की, जो उस टाइम पे अपना दिमाग लगाया उसके हिसाब से वहाँ पे उन्होंने कास्ट आयरन का एक ब्रिज बना दिया। अब उसकी वजह से उनको बहुत उस चीज़ में हेल्प मिली, मतलब उनका ट्रेड बढ़ा, उनको सप्लाई जो होती थी माल की इधर से उधर ट्रेड में वो सब बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एंड इफेक्टिव हुई। तो ये उस टाइम की ज़रूरत के हिसाब से बहुत अच्छा ब्रिज उस टाइम माना जाना, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही उस टाइम पर। और अगर इसके बाद का एक पॉइंट देखें, अगर इसके बाद का ब्रिज देखें तो एक ब्रिज आपका और है, लंदन में ही है, जिसको बोलते हैं आपको द थेम्स नदी पे है, सॉरी लंदन ब्रिज, एट थेम्स रिवर। तो ये जो एक आपका एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है कि एक मॉडर्न टाइम पे जो ये लंदन ब्रिज है ये आपको मॉडर्न टाइम का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और उस टाइम पे जैसे इसको अगर देखें कि ये किस टाइप का ब्रिज है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कई एग्जाम्स में कि ये जो ब्रिज है ये किस टाइप का ब्रिज है। तो ये जो आपका है ये आपका कैंटिलीवर एंड बेस्कुल टाइप का है। ऑलराइट, अब अच्छा इसको क्या बैस्कुल, आपको जैसे नया वर्ड सुनने में आएगा तो ये क्या चीज़ होती है, तो अगर इसको बताएं तो ये देखिए अभी हम आपको एक इसका जनरल सा लेआउट सा बनाते हैं हम इसको, ठीक है, आपको समझाते हैं उसके थ्रू कि आखिर ये किस टाइप का ब्रिज है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ चुका है इसलिए इसको समझाना थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। और एग्जाम्पल्स भी मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ सो दैट आप अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो ब्रिज है ये किस टाइप का ब्रिज है और ये जो है आपका ये किस टाइप का ब्रिज है, क्या कब बना, तो इस टाइप की चीज़ें जो है पूछ लेता है। तो देखिए आपका जो ये लंदन ब्रिज है, मान लीजिए ये है, ठीक है, तो आपका ये आपका हो गया तो समवॉट कहीं ये कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक,
ऐसे आपके पीयर्स हैं। ऑलराइट, तो यहां पे ये कैंटिलीवर सस्पेंशन गया, सेम यहां पे गया, ठीक है। अब ये यहां पे ऐसे है कुछ, ठीक है, एक जनरल सा बता रहा हूं मैं अभी लेआउट। अब ये जो बैस्कुल टाइप का होता है ना, बैस्कुल में क्या होता है कि ये समवट यहां पे कहीं पे ये मूवेबल पोर्शन होता है रोड का। ये तो आपका हो गया, मान लीजिए रिवर है ये, ठीक है, थेम्स है ये, देख लिया, ठीक हो गई हमारी थेम्स रिवर। अब देखिए ये जो पोर्शन है ये यहां पे मूवेबल होता है, मतलब कि अगर यहां से कोई सिप जा रही है, ठीक है, सपोज ये सिप जा रही है इधर, तो यहां पे क्या होगा कि जैसे इसकी हाइट ज्यादा है या आप कोई क्रूज है या कुछ भी है जिसकी हाइट इसके ऊपर पहुंच रही, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप में ये समवॉट ऐसे जाके उठ जाता है और ये पास हो जाती है सिप, वहां से सिप पास हो गई, ये अपने आप आके फिर बंद हो जाता है। तो मतलब ये हो गया आपका बैस्कुल टाइप, ठीक है। तो ये भी पूछा जा चुका है आपका कि ये किस टाइप का ब्रिज है, तो ये बैस्कुल एंड कैंटिलीवर टाइप का ब्रिज है आपका। और जो अगर एक और अगर इंडिया में बात करें जो सबसे पुराना और जो बैस्कुल टाइप का ब्रिज है वो हमारा रामेश्वरम में है, पनबन ब्रिज, ठीक है। तो पनबन ब्रिज जो है, देखिए मैं आपको एग्जांपल इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपसे बात की जाती है और इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो आपका एक नेक्स्ट है जो पनबन ब्रिज, ये भी आपका काफी पुराना है, रामेश्वरम में है और ये बना था आपका 1914 में। ये आपका रेलवे कट है, रेलवे के लिए बना है, क्या है उसका गेज, ब्रॉड गेज के लिए बना है। और अगर इसको देखें तो किस टाइप का ब्रिज है, तो ये आपका कॉन्क्रीट या आरसीसी कह लो एंड बैस्कुल टाइप। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स है कि हम बात कर रहे थे कि एडवांसमेंट्स और इनोवेशंस जो हुई वो किस वजह से हुई, रीजंस क्या हुए, तो वही उसी में हम आपको बताने लगे कि जैसे कैसे कैसे आप देखिए कहां कहां से हमारे एडवांसमेंट सामने हमारे दिखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर हम ब्रिजेस को देखें, लाइक अगर हम देखें आपका पनबन ब्रिज जो है आपका हमारे इंडिया में ही 1914 में बना, और इसको देखें तो ये आरसीसी कॉन्क्रीट और नॉर्मल बास्कुल टाइप का था। हम आपको ये देखें अगर ये चीज़, तो ये भी आप देख लीजिए यहाँ पे सस्पेंस, ये आपका केबल एंड आपका कैंटिलीवर और बैस्कुल टाइप है। सिग्नेचर ब्रिज देखें तो ये आपका कैंटिलीवर स्पार केबल स्टेट ब्रिज है, अभी का है, तो देखिए आपको नई टेक्नोलॉजी इसमें मिलेगी, अपने आप में ये यूनिक करेक्टर रखता है। महात्मा गांधी सेतु देखें तो जैसे कि बहुत पहले बना था, तो इसमें क्या है कि आपको बस आरसीसी वर्क दिखेगा, गर्डर टाइप ऑफ ब्रिज है ये, ठीक है। और अगर हम बात करें द आयरन ब्रिज जो सबसे पहले यूज हुआ हमारा इंग्लैंड में, तो वो था द आयरन ब्रिज जो कि 1781 में हुआ था, उसमें बस कास्ट आयरन यूज किया गया, पूरे ब्रिज वर्क में सिर्फ कास्ट आयरन यूज किया गया, क्योंकि वहाँ पे उनके पास उस टाइम कोई और ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ नहीं थी, उनके पास इतना ज़्यादा शायद उस चीज़ की समझ नहीं थी कि और इसमें क्या हम कर सकते हैं यूज ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, तो उन्होंने पूरा केबल पूरा का पूरा ब्रिज जो है कास्ट आयरन का बना डाला। फिर उसके बाद बात करें तो ये लंदन ब्रिज की जैसे हमने बात की, तो ये सब आपके एग्जांपल्स हैं, कभी कभी इन पे क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और अगर अब आगे बात करें तो आगे बात आती है कि जो हमारे की फैक्टर्स हैं किसी भी ब्रिज में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो की फैक्टर्स की बात करते हैं हम, और की फैक्टर्स में जैसे कि क्या क्या एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन की जैसे उसकी डिज़ाइन है या फिर उसका प्लानिंग है, इन सब चीज़ों को क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे अब हम और अच्छे से समझेंगे, कोशिश करेंगे आपको कि सारा कुछ समझ में आ जाए एग्जैक्टली और कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसमें, और आपको एग्जांपल्स भी हम इसीलिए दे रहे हैं साथ में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
तो बात करते हैं कि की फैक्टर्स आपके क्या हैं, ठीक है। की फैक्टर्स इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो इसमें आपका जैसे कोई भी ब्रिज बन रहा है तो ब्रिज में क्या है आपका कि सबसे पहला तो वही फैक्टर आ जाएगा कि भाई ब्रिज कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मतलब हमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, हमको उसको एक अच्छे प्लान वे में चाहिए सो दैट कि हम उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपका इसमें की फैक्टर जो आएगा वो एज क्या कह सकते हैं कि एज ब्रिज कंस्ट्रक्शन इज रियली एक्सपेंसिव, सो वी हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लानिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्लानिंग फॉर द ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसमें अगर हम सीधे कंक्लूजन लिख दें आपका कि प्रॉपर एंड इफेक्टिव planning for cost effectiveness, मतलब वही चीज है कि हम जब सोच रहे हैं कहीं पे प्लान बना रहे हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे यार इतना ज़्यादा तो ये इसमें एक्सपेंसेज आ रहे हैं तो क्यों ना हम इसको एक पूरा अटेंशन देके पूरा मतलब थॉरो स्टडी करके एक ऐसे वे में डिज़ाइन करें कि इसका जो है कॉस्ट मिनिमाइज हो सके थोड़ा और ये अच्छा ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव रहे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये की फैक्टर आपका आएगा ही आएगा ब्रिज में, क्योंकि ब्रिज जब बात आती है तो मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि आप अगर 1 किलोमीटर एनएच वे नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर पर 2 से 2.5 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंसेज आता है, एंड इन दैट केस फॉर ब्रिज इट इज़ far beyond that, like multiple times of the road. Okay, so जो next point आएगा इसमें वो आपका आएगा लाइक कि जैसे आपकी बात हो गई है कि cost effectiveness, दूसरी बात आ गई आपकी कि जो traffic volume है कि hold the capacity, मतलब आप अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ अगर capacity, तो capacity में कई factors आ जाएंगे यहाँ पर, like लेन, नंबर ऑफ लेन, ठीक है, विथ ऑफ जो भी आप कह सकते हैं डेक या फिर जो पाथवे है, ठीक है, तो हम सिर्फ यहां पे विथ लिखे दे रहे हैं, स्ट्रेंथ, वेट ऑफ द ब्रिज, ठीक है। तो अगर कैपेसिटी में देखें तो अगर हम ब्रिज को एक प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसमें हम देख रहे हैं कि मतलब जो फैक्टर हैं तो उसमें एक तो ये हो गया, दूसरा आपका हो गया कि वो इट शुड होल्ड द कैपेसिटी, इट शुड मैनेज टू होल्ड द कैपेसिटी इन व्हाट मैनर्स, इन मैनर्स फॉर द लेन। अगर हम बात करें कि आपका जैसे ये ब्रिज कोई है ब्रिज, ठीक है, ये आपका ब्रिज का पाथवे है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे नंबर ऑफ लेन्स प्रॉपर नहीं है, ट्रैफिक फ्लो बहुत ज़्यादा है, एक व्हीकल को यहाँ से जा रहा है, एक व्हीकल को यहाँ से आ रहा है, और इसमें प्रॉब्लम हो रही है एक दूसरे को क्रॉस करने में या स्मूथ ट्रैफिक फ्लो में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस ब्रिज को बनाने का पर्पस सिद्ध ही नहीं होगा। मतलब कि जिस वजह से हमने यहाँ पर इतना पैसा खर्च किया, जिस वजह से हमने इस ब्रिज को बनाया, वो काम तो हो नहीं रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उतनी लेंस नहीं है कि जो ट्रैफिक जो है पूरा का पूरा उधर डाइवर्ट हो पाए, इधर से उधर फ्लो हो पाए, और जब इधर से उधर फ्लो नहीं हो रहा, यहाँ पे कहीं मान लो कंजेशन लग रहा है, यहाँ पे कहीं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम आ रहा है, जैसा कि हमने देखा एक बार कई जगहों पर, मैं खासकर एग्जाम्पल लूँ तो लखनऊ में एक ब्रिज है तो गोमती के ऊपर, तो वहाँ जाते हैं तो उस ब्रिज के ऊपर अक्सर जाम लगता है, तो मतलब क्या है कि उसमें उतनी लेंस ही नहीं प्रोवाइड की गई। मतलब जैसे कि आप जो मस्जिद है वहाँ पे गदर मूवी में जिसमें दिखाया गया नल उखाड़ रहे हैं सनी देओल जी, तो
तो उसी के पास में ये ब्रिज है लखनऊ में एक, तो वहाँ पे अक्सर ऐसे जाम देखा. मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है. आप और भी कहीं भी बहुत जगह ऐसी सिचुएशंस होंगी जो काफ़ी पहले बनाया गया है. तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो है नंबर ऑफ लेन्स प्रॉपर नहीं प्रोवाइड की गई और ट्रैफिक जो वैल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है. तो जब ट्रैफिक वैल्यूम बहुत ज़्यादा है, लेन्स है नहीं, तो मतलब वहाँ भी जाम आ रहा है, तो मतलब उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा और फिर कहीं रीराउट करेंगे अगर उस ट्रैफिक को, तो शायद वो उस कैपेसिटी को होल्ड करने लायक है या नहीं है, तो मतलब वहाँ भी जाम. तो मतलब ट्रैफिक फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है और ये हमारा ब्रिज बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहता है. तो इस जो लेन है, नंबर ऑफ लेन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ब्रिज कंस्ट्रक्शन में. अब अगर बात करें विथ की, अब ऐसी जैसे मैं आपको पाथवे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए ये विथ है आपकी, ठीक है. अब हमारा जनरल क्राइटेरिया होता है कि एक जो कोई भी गाड़ी होती है तो उसका, या कोई भी व्हीकल होता है तो उसकी एक स्पेसिफिक विथ होती है. तो अगर उस मान लीजिए कोई ब्रिज इतना बना है कि जिसपे उस पर इतनी विथ ही नहीं है प्रॉपर, उतनी चौड़ाई ही नहीं है कि वहाँ पे एक व्हीकल अगर निकल रहा है तो दूसरा व्हीकल निकल ही नहीं पाएगा. मान लीजिए एक इधर से निकल के बीच में पहुँच गया, एक उधर से आ गया, तो आपका बीच ब्रिज पे ट्रैफिक जाम. फिर या तो इसको पीछे लेना पड़ेगा, तो उसको पीछे लेना पड़ेगा. मतलब फिर वही प्रॉब्लम आपकी कि हमने ब्रिज बनाया था कि यहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट करके ब्रिज के थ्रू निकाल देंगे और वहाँ पे भी हमारी सेम प्रॉब्लम आ रही है. तो मतलब हमारा ब्रिज बनाने का काम बेकार है वहाँ पे. तो इसलिए हमको विथ भी देनी पड़ती है प्रॉपर, वहाँ की ट्रैफिक वॉल्यूम जो है, ट्रैफिक कंजेशन जो है, और किस टाइप का ट्रैफिक है, इन सब चीज़ों को देख के हम वहाँ पे स्टडी करते हैं, उस हिसाब से हम वहाँ पे विथ प्रोवाइड करते हैं. और उसी में आ जाता है आपका कि अगर स्ट्रेंथ की बात कर लें, ठीक है. तो स्ट्रेंथ मान लो कि अगर आपका ट्रक पास कराना है हमको, मान लीजिए कोई भी ट्रैफिक है वहाँ पे ट्रक्स भी हैं और बसेस भी हैं, सब कुछ है. मान लो बसेस तो फिर भी पैसेंजर कैरी करती, बट ट्रक तो हेवी लोड एंड गुड्स इधर से उधर करते हैं. तो मान लीजिए अगर हमने कोई ब्रिज बनाया और वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है ब्रिज की कि वो ट्रक को पास करा सके, तो जब ट्रक को पास नहीं करा सकता है तो ट्रक वाला जो ट्रैफिक है या हेवी लोड्स वाला जो ट्रैफिक है उसको क्या करेंगे, सिटी में कहीं इधर उधर से फिर रीराउट करेंगे. अब वहाँ पे इधर उधर रीराउट कर रहे हैं तो मतलब कहीं वो ऐसी जगह भेज रहे हैं शायद जहाँ पे वो चीज़, वो रोड होल्ड ना कर सके उस ट्रैफिक को, या उतना कंजेशन उसकी वजह से जो बढ़े उसको ना होल्ड कर सके. मतलब अगेन द सेम प्रॉब्लम, ठीक है. तो ये चीज़ हो गई आपकी कि स्ट्रेंथ भी चाहिए, वेट भी हमको उसको चाहिए फॉर द सेफ्टी पर्पस. तो ये इतने सारे जो फैक्टर्स हैं ये आपका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं. अब अगर इसी में एक बात करें कि जो की फैक्टर है कि इफ़ द ब्रिज फेल्स, मान लीजिए इन सब वजहों से अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ी आई, और जो आपका एक थर्ड फैक्टर अगर हम बता दें कि इफ द ब्रिज फेल्स होल सिस्टम फेल्स, इसका मतलब क्या है कहने का कि अगर एक ब्रिज हमने बनाया और अगर वो ब्रिज प्रॉपर वर्क नहीं किया तो मतलब वहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम आएंगी, वहाँ से ट्रैफिक फ्लो नहीं हो सकता. वहाँ पे ट्रैफिक फ्लो नहीं हो सकता तो मतलब कि उसको कहीं डाइवर्ट करेंगे, रीराउट करेंगे, डीरूट करेंगे, इधर उधर भेजेंगे, जो कि ऐसी जगह भेज सकते हैं जहाँ पे ट्रैफिक होल्ड करने की, या फिर उस पर्टिकुलर टाइप का जो ट्रैफिक है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी ही ना हो. अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पे क्या होगा कि उस चीज़ पे वहाँ पे कि आगे प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब कि सारा सिस्टम जाम, सारा कुछ हमारा किया धरा रह गया. तो मतलब क्या है कि ब्रिज जो है एक लाइफ लाइन हो जाती है एक स्मूथ ट्रैफिक फ्लो कराने के लिए, एक स्मूथ लाइफ चलाने के लिए, कि कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, एक्सीडेंटल एरर्स या एक्सीडेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन चीज़ों को कम करने के लिए. क्योंकि मेजर ऑफ द एक्सीडेंट्स इसीलिए होते हैं कि आप ट्रैफिक ज़्यादा है, कोई स्मूथ फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो कोई इधर उधर गाड़ी दौड़ा रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है इस वजह से. तो मतलब की है कि ब्रिज जो है बहुत ज़्यादा की फैक्टर है कि आपका कि आप इस हर चीज़ के लिए, अगर आप ट्रैफिक की फ्लो देखें, आप हर आप किसी सिस्टम किसी सिटी में प्रॉपर सिस्टम देखें ट्रांसपोर्ट का, तो हर चीज़ में जो ब्रिज है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है.
तो ये चीज़ें हैं आपको, तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रॉपर एंड इफेक्टिव प्लानिंग चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारा कॉस्टली बहुत होता है, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें कॉस्ट इफेक्टिवनेस वगैरह के बाद ये सारी लेन विथ एंड स्ट्रेंथ ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि ब्रिज इस हिसाब से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो फेल ना हो, क्योंकि अगर ब्रिज फेल हो गया, अगर मान लीजिए कहीं पर ब्रिज गिरा तो मतलब वो पूरा का पूरा उस लेन का ट्रैफिक ख़त्म, मतलब उसको कहीं इधर उधर भेजना पड़ेगा, जो कि पूरी सिटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। घंटों आप खड़े रहें, लाइक इन दिल्ली आप देख सकते हैं इतना जाम होता है, आप इतने ब्रिजेज हैं, इतना कुछ है, बाईपास है, इतना सब कुछ है, लेकिन तब भी मतलब वी नीड मोर ब्रिजेज इन दिल्ली। अनलाइक दिल्ली देर आर मेनी सिटीज वेयर वी मे नीड अलॉट ऑफ वर्क, अलॉट ऑफ डेवलपमेंट इन केस ऑफ ब्रिजेस। ओके, सो ये चीज़ है। अब इस चीज़ को ऐसी ना हो तो इस पर जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं और जो हमारे ब्रिज डिजाइनर्स होते हैं वो इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं कि अगर उस पॉइंट को भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही बता रहा हूँ मैं कि इस चीज़ को कि ब्रिज फेल ना हो, हर चीज़ को मतलब ये जितने की फैक्टर्स हैं आपके, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो डिजाइनर्स ब्रिज बनाते हैं, सो दैट कि वो जो कैपेसिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी जो वेट है और जो ड्यूरेबिलिटी है एंड रिस्क फैक्टर्स हैं, उन सबको ध्यान में रख के चीज़ें डिजाइन करते हैं, सो दैट हमारी इफेक्टिवनेस बनी रहे ब्रिज की और वो जिस रोल प्ले करने के लिए, जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया है वो पूरा फुलफिल हो। तो इसलिए ये आपके की फैक्टर्स हैं, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी बता दिए, ठीक है। तो अगर इसके बाद अगर हम देखें तो बात कर रहे थे हम ब्रिज के क्लासिफिकेशन की, तो अगर ब्रिज का क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले तो ये आएगा कि इन चीज़ों को किस बेसिस पे ब्रिज को हम क्लासिफाई करते हैं, किन टाइप्स पे। तो इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लीजिए ये आपकी वैली है या रिवर है, कुछ भी मान लीजिए, वैली है मान लीजिए, यहाँ पे कहीं इस पार्ट पे रिवर भी है, ठीक है। तो ये अगर आपकी वैली या रिवर है तो अगर यहाँ पर ये अप्रोच रोड वन है, अप्रोच रोड टू है और यहाँ पे कहीं हमको ये बनानी है, ब्रिज बनाना है, तो पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हमारा ब्रिज कंस्ट्रक्शन का अगर दिमाग में आता है कि अगर हमको यहाँ पे ब्रिज बनाना है तो क्या आएगा कि आखिर इसकी लेंथ क्या है, मतलब हम मेजर करेंगे ना कि आखिर कहाँ से कहाँ तक हमको कितनी लेंथ का ब्रिज बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर हमने फर्स्ट देख लिया कि किस टाइप का मतलब कितनी लेंथ का बनाना पड़ेगा, तो मतलब हमें पता करना पड़ेगा स्पैन। अब हमको अगर ये स्पैन पता चल गई, मान लो ये स्पैन है हमारी, ठीक है, तो अगर स्पैन पता चल गई कि हमको अच्छा ठीक है इतने स्पैन का बनाना है ब्रिज, तो उसके बाद दूसरी बात आएगी आखिर इस पर किस ट्रैफिक के लिए या किस टाइप के ट्रैफिक के लिए यूज होगा, तो मतलब दूसरा पॉइंट आएगा कि हमारा इसका यूजेज क्या है, क्यों? क्योंकि यूजेज जब हम देखेंगे ना तब उसके लिए ही हम बाद में कॉस्ट इफेक्टिवनेस और हर चीज़ जो टेक्निक्स होंगी उसमें तब लगाएंगे, सो दैट कि वो जो है कि उस टाइप ऑफ जो ट्रैफिक को है बियर कर सके, क्योंकि हमको तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को, उस एम को पूरा करना है ना जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने स्पैन देख ली कि स्पैन क्या है, यूजेज देख लिया कि आखिर यूज क्या है, और जब हमने यूजेज देख लिया तो उसके बाद हम देखेंगे कि मटेरियल क्या यूज करना है, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि भाई हमको यूज क्या है इसका, किस टाइप के ट्रैफिक के लिए हमको बनाना है, तो उसके बाद हमको मटेरियल पता करना है और उसके साथ ही हमको देखना है कि स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या देना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे कि आपको अगर देखें यहां पे मान लीजिए ये आपका ब्रिज का एक लेआउट बना रहा हूं, ये मान लीजिए अबटमेंट है यहां पे कुछ ऐसे, ये अबटमेंट है, ये आपका पियर है, ठीक है, और ये कहीं आपका ऐसे ऐसे केबल स्टेट ब्रिज है मान लीजिए, इजी रहता है ड्रॉ करने में, और जो लॉन्ग स्पैन के लिए होता है वो भी हम आपको बताएंगे कि उसमें केबल और सस्पेंशन ब्रिज ही प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये कहीं इसका एंकरेज होगा और इसका भी कहीं ऐसे एंकरेज जाएगा, ठीक है,
यहाँ पे ऐसे स्टिफनिंग होगी इनकी। तो हाँ, हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चरल फॉर्म। तो देखिए, जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है उसमें दो टाइप होते हैं। आपका जो एक होता है कि ग्राउंड के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, तो वो हो जाता है आपका सुपर स्ट्रक्चर। और जो आपका ग्राउंड के नीचे वर्क होता है ना, उसको सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब देखिए, स्ट्रक्चरल फॉर्म में और क्या क्या है। जैसे सुपर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका पियर हो गया, केबल्स हो गई, ये जो है, ठीक है, और जो भी चीजें हैं इसमें, जो भी फर्दर जो इसमें यूज किया गया ग्राउंड के अबव जो है, तो आपका सुपर स्ट्रक्चर में आ गया। सब स्ट्रक्चर में क्या हो गया, आपका पियर हो गया, फाउंडेशन हो गया, और जो भी इसमें कॉलम्स या कुछ दिया गया वो चीज़ें आपकी सब स्ट्रक्चर में आ जाएंगी। तो और क्या होता है कि स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या है। अब जैसे ये तो स्ट्रक्चर में क्या क्या है कि कितना है, सुपर है और सब हो गया। अब स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या है, अब स्ट्रक्चरल फॉर्म जो है वो अगर आपको देखें तो स्ट्रक्चरल फॉर्म लाइक आपका किस टाइप का है कि मतलब मान लीजिए आर्चेज है, आर्च का आर्च ब्रिज देंगे हम, कि हम उसको सस्पेंशन देंगे, कि केबल स्टेट देंगे, कि हम उसमें गर्डर टाइप ब्रिज देंगे, कि प्री कास्ट देंगे, कि आरसीसी देंगे। तो इतने सारे जो टाइप्स हैं ना, ये आपके स्ट्रक्चरल फॉर्म है। तो अगर यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये आपका एक जनरल लेआउट ऑफ ब्रिज है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले देख रहे हैं आपकी स्पैन देख रहे हैं। तो मतलब एक तरीका हो गया कि स्पैन। अब इसमें क्या है, स्पैन मान लो ये यहाँ से यहाँ तक ही थी, मान लो ये यहाँ तक इतना ही था, तो छोटी स्पैन। मान लीजिए कि ये यहाँ से समथिंग कुछ ऐसा था, तो मतलब स्पैन और वेरी की। अब ये ज़रूरी नहीं मीटर्स में कितने मीटर में वेरी कर रही, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कि आपको एक स्पैन, एक फैक्टर है जिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं ब्रिज को, मतलब एक स्पैन के बेसिस पे। उसके बाद यूजेज के बेसिस पे, कि मान लीजिए हमको यहाँ से रेलवे निकालनी है, कि हाईवे निकालना है, कि हमको सिर्फ पैदल जो ट्रैफिक है उसके लिए निकालना है, पैदल चलने वालों के लिए, पेडेस्ट्रियंस जो हैं। तीसरा जो है कि हमारा मटेरियल, कि मतलब मटेरियल अगर हमने यहाँ पे आरसीसी यूज किया तो आरसीसी टाइप ऑफ ब्रिज हो गया, स्टील यूज किया तो स्टील केबल्स हो गया, और अगर यहाँ पे हमने ब्रिक स्टोन्स यूज किया तो आर्च ब्रिज हो गया। तो इस टाइप से हमारा मटेरियल के बेसिस पे डिसाइड कर लेंगे। और अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म है तो मतलब आपका जैसे गर्डर टाइप ब्रिज हो गया, आपका कैंटिलीवर हो गया, आपका बैस्कुल हो गया, तो इन टाइप के जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है, सस्पेंशन एंड केबल स्टेट ब्रिज, तो ये सब आपके स्ट्रक्चरल फॉर्म हो गए। मतलब क्या है कि हम एक ब्रिज को इन बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इनमें फर्दर बात करें, अगर हम सबसे पहले देखते हैं जैसे स्पैन में जो है ना, आपका स्पैन में आपका फर्दर तीन होते हैं, शॉर्ट या स्मॉल कह लो, आपका मीडियम, और फिर लार्ज, और एक और आता है इसमें लॉन्ग, ठीक है। तो ये इसको हम अभी डिटेल में आपको बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं यूजेज के बेसिस पे। अगर हम यूजेज के बेसिस पे देखें कितना क्लासिफाई किन पार्ट्स में करते हैं, तो यूजेज के बेसिस में आपका आ जाएगा, एक तो आ जाएगा हाईवे नंबर वन, नंबर टू आ जाएगा आपका रेलवे, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा पेडेस्ट्रियंस के लिए। तो मतलब आपका सिंपल सा है कि आपका यूजेज के बेसिस पे तीन टाइप में डिवाइड कर दिया। अब अगर मटेरियल के बेसिस पे देखें तो मटेरियल के बेसिस पे आपको किस हिसाब से डिवाइड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मटेरियल के बेसिस पे देखते हैं कि कितने टाइप के ब्रिजेज होते हैं आपके। तो हमने देख लिया कि आपका यूजेज के बेसिस पे किस टाइप के ब्रिज हैं, और फिर अब देखते हैं मटेरियल के बेसिस पे कितने टाइप के ब्रिजेज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम लिख देते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस किन टाइप्स पे करते हैं, आपका स्पैन हो गया, आपका यूजेज हो गया, मटेरियल हो गया, और
स्ट्रक्चरल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि यूजेज के बेसिस पे आपके तीन हैं, हाईवे, रेलवे, पेडेस्ट्रियन। अब अगर मटेरियल के बेसिस पे देखें तो मटेरियल के बेसिस पे आपका हो जाएगा आरसीसी, वुडेन, स्टील, स्टोन या ब्रिक। अब एक चीज देखिए, स्टोन या ब्रिक है तो उस समय मोस्टली आर्चेज होती हैं, आर्च वाले ब्रिज होते हैं, तो हम साइड में लिख दे रहे हैं आर्च। आपका हाइब्रिड भी हो सकता है, ठीक है, और आपका केबल जो स्टील केबल्स होती हैं। तो ये आपके मटेरियल के बेसिस पे हो गए। अब अगर बात करें स्ट्रक्चरल फॉर्म, तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में स्ट्रक्चर के फॉर्म पे मतलब कितने टाइप के ब्रिज होते हैं तो ये देखते हैं। तो इसके लिए अगर हम देखें स्ट्रक्चरल फॉर्म मान लीजिए, तो इसमें आपका आ जाएगा एक स्लैब, दूसरा हो जाएगा आपका गर्डर, तीसरा हो जाएगा आपका आर्च, और एक हो जाएगा आपका सस्पेंशन, नेक्स्ट हो जाएगा आपका केबल स्टेट ब्रिज। तो ये आपके जो मेन मेन है आपके स्ट्रक्चरल फॉर्म के। अब अगर हम बात करें स्पैन, तो स्पैन के लिए हम देखते हैं डिटेल में, क्योंकि स्पैन जो है आपका स्पैन के बेसिस पे फर्दर डिवाइड किए गए हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें, जो हम स्टडी करेंगे ब्रिजेस की, ब्रिज के आगे फर्दर डिजाइनिंग वगैरह की, तो हम मटेरियल के बेसिस करेंगे, पे करेंगे। क्यों करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, आपको मैंने बताया कि पहले तो हमने स्पैन देख ली, फिर हमने उसका यूज देखा, और फिर मटेरियल और स्ट्रक्चरल फॉर्म डिसाइड किया। तो देखिए, अगर मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल में आपके ये सब आ जाएंगे, आरसीसी, वुडन, स्टील, स्टोन, हाइब्रिड स्टील केबल्स। तो ये सब जो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो इसलिए मेनली जो फोकस हम करेंगे आगे डिजाइनिंग में वो मटेरियल पे करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं आपका स्पैन में किस टाइप के ब्रिजेस होते हैं फर्दर। तो अगर स्पैन की बात करेंगे तो स्पैन में जैसे आपको मैंने बताया कि चार टाइप के डिवीजन हैं पहले से ही। तो अगर एक हम लाइन देखें और इस पर हम कहीं लिख दें एक जगह 15, एक जगह 50, एक जगह 150, तो देखिएगा, मान लीजिए ये आपके मीटर्स में लेंथ है, ठीक है। अब कहीं यहाँ पे मान लीजिए 10 है, यहाँ पे कहीं 20 है, ठीक है, यहाँ पे कहीं मान लीजिए 40, 45 कुछ है, यहाँ पे आपका 65 है या कुछ है, ठीक है, यहाँ पे आपका मान लीजिए 110 है, ठीक है। तो देखिए, ये आपकी एक स्केल हो गई लेंथ स्केल। अब अगर देखें, अगर हम बात करें कि 0 से या 10 से लेके आपके 15 तक, अगर इस रेंज तक देखें सॉरी तो इस रेंज को हम कह सकते हैं कि शॉर्ट ब्रिज, शॉर्ट काइंड ऑफ ब्रिज, ठीक है। और अगर यही जो जोन है, इस जोन को अगर हम बढ़ा दें आपका, कि मान लीजिए कहीं यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, तो अगर हम देखें अगर कि 20 तक मान लीजिए, अगर 20 तक भी होता है तो मतलब अगर 10 से 20 मान लें तो ये आपका स्मॉल स्पैन आ जाएगा ब्रिज, ठीक है। और अगर ऑन होल देखें हम, तो अगर बात करें शॉर्ट या स्मॉल की, तो स्मॉल में आपका ये स्पैन बेसिस पे है और ये आपका 1 मान लेते हैं, तो सबसे पहले स्मॉल आ जाएगा। और अगर इसकी नॉर्मल रेंज ले लें तो आपका ये अप टू 15 आ जाएगा, अप टू 15 मीटर। लेकिन ये मैं आपको उसके अंदर बता रहा हूँ कि ये जो वेरिएशन है ना लेंथ का या स्पैन का, ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हाँ एग्जैक्ट 15 हो। अगर हम शॉर्ट या स्मॉल बना रहे हैं तो हम उसको यहाँ कहीं 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या 12 से स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं यहाँ 20 तक ले जा सकते हैं, ठीक है। और अगर इसी में हम बात करें कि मीडियम की, तो मीडियम जो है आपका 50 तक जाएगा, 50 मीटर।
और अगर हम बात करें लार्ज की, तो लार्ज जो है आपका 150 मीटर तक की डिस्टेंस के लिए बनाए जाते हैं, और जो लेस्ट नेक्स्ट है वो है आपका लॉन्ग ब्रिज जो कि अबव 150 मीटर, ठीक है। तो ये आपके तो मेन क्लासिफिकेशन हो गए आपका स्पैन में। अब अगर उसके अंदर देखें कि किस टाइप के कितने क्या ब्रिजेस की कैटेगराइजेशन है, तो उसमें जैसे आपको बताया कि स्मॉल में भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट मतलब आप 10 से 15 तक अगर बना रहे हैं, या 10 या 8 से, या कुछ ऐसे मतलब कहीं भी 15 के इधर उधर थोड़ा सा और उसके ऊपर एक्सीड नहीं कर रहे हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि वो शॉर्ट है। अगर इसके इधर उधर थोड़ा रेंज हो रही 15 के ऊपर तो आपका स्मॉल है, ठीक है। और अगर 50 तक है आपका, या कहीं 45 से इधर 65 या 55 भी हो गया तो आपका मीडियम है। और अगर लार्ज में देखें तो 150 के अराउंड, मतलब 150 मैक्सिमम लिमिट है, उसके पहले तक कुछ भी कर लो, कितना भी डिस्टेंस हो तो आपका लार्ज है। और अगर इसके ऊपर जाएगा तो आपका लॉन्ग ब्रिज आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका जो स्मॉल है, स्मॉल ब्रिज या स्मॉल टाइप के जो ब्रिजेस हैं उसमें किस कौन कौन से ब्रिज आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये आपके कुछ फर्दर जो आपके स्पैन बेसिस पे जो डिफरेंशिएट हैं, जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ब्रिजेस हैं, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड लॉन्ग में, तो उसमें कुछ ये चीज़ें हैं आपके किस किस टाइप के ब्रिजेज आते हैं स्मॉल में। लाइक स्मॉल ब्रिज है तो अगर अप टू, ये आपका 15 मीटर की रेंज में है, अगर अप टू 15 मीटर, तो उसमें किस किस टाइप के आते हैं ब्रिज, जैसे आपका हो गया कलवर्ट, स्लैब, टी बीम, छोटे छोटे जो ब्रिज होते हैं ना उनमें ये सब चीज़ें दे जाती हैं। कलवर्ट है जैसे स्लैब है तो इसमें हम कॉन्क्रीट की नॉर्मली प्रोवाइड कर सकते हैं। टी बीम जैसा कि आपको नॉर्मली आरसीसी वर्क होता है इसमें, और प्रीकास्ट कॉन्क्रीट बॉक्स बीम, आपका प्रीकास्ट कॉन्क्रीट आई गर्डर, जैसे कि आपको बताया था मैंने महात्मा गांधी सेतु, ठीक है, और प्री आपका रोल्ड स्टील, तो ये आपके जो है ये स्मॉल उसमें आ जाएंगे। और अगर मीडियम की बात करें अप टू 50 मीटर जो स्पैन है, तो उसमें आपके इतने टाइप ऑफ ब्रिजेज होते हैं, लाइक प्रीकास्ट कॉन्क्रीट बॉक्स, आपका प्रीकास्ट आई गर्डर, कंपोजिट रोल्ड स्टील, कंपोजिट स्टील प्लेट, कास्ट इन प्लेस आरसीसी बॉक्स एंड कास्ट इन प्लेस पोस्ट टेंशन कॉन्क्रीट बॉक्स गर्डर एंड कंपोजिट स्टील बॉक्स, ठीक है। तो ये आपके मीडियम के हो गए। और अगर लार्ज की बात करें तो लार्ज में आपका कंपोजिट स्टील प्लेट गर्डर और कास्ट इन प्लेस पोस्ट टेंशन कॉन्क्रीट बॉक्स गर्डर और आपका पोस्ट टेंशन सेगमेंटल कॉन्क्रीट और एक कॉन्क्रीट, ठीक है, और आपका नेक्स्ट हो गया कॉन्क्रीट आर्क एंड स्टील आर्क। तो ये आपके जो हैं फर्दर, इनमें कितने टाइप के ब्रिजेज होते हैं जिनका मतलब ज़्यादा इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है अभी उसके बारे में डिटेल में जाने का, क्योंकि हम वो डिजाइनिंग के पर्पज़ में पढ़ते रहें, डिजाइन के टॉपिक में इन चीज़ों के बारे में डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे और इन चीज़ों को स्टडी करते रहेंगे, ठीक है। तो अब जैसा कि आपका ये हो गया आपका स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, तो अगर एक और जो नेक्स्ट वाला है लॉन्ग, अगर लॉन्ग में देखें तो आपका एक तो आ जाता है केबल और दूसरा आ जाता है सस्पेंशन, इसमें दो ही टाइप के ब्रिज होते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली हो गया कि स्पैन के बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ब्रिजेस को। और अगर एक बात करें जैसे कि मतलब ये तो स्पैन के बेसिस पे हो गया, कुछ और भी तरीके होते हैं जो लोग मतलब हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं और जो हैं कुछ मतलब जो डिजाइनर्स हैं ब्रिज के, तो लोग कुछ और भी टाइप्स के बेसिस पे कुछ और क्राइटेरिया दे देते हैं कि मतलब हाँ चलो इसके बेसिस पे भी हम मान लेते हैं इस टाइप के ब्रिजेस होते हैं। तो उनमें अगर बात करें तो उनमें एक आता है कि लोकेशन कहाँ है ब्रिज की, ठीक है, मतलब जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है जो ब्रिज का उसकी लोकेशन कहाँ है। तो अगर उसकी लोकेशन के हिसाब से बात करें तो उसकी लोकेशन हिसाब से आते हैं तीन टाइप के ब्रिज आपके। तीन टाइप के कौन से? एक आता है कि आपका अबव द डेक लाइन, डेक मतलब आपका पाथवे जो ब्रिज का है, एक आता है आपका बिलो द डेक लाइन और एक आता है आपका ऑन द डेक लाइन या डेक लाइन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बेसिकली, ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कभी कभी इनके बारे में कभी कुछ पूछ लेता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखते हैं कि मतलब ऑन द लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ ब्रिज डेक लाइन, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट बात करें तो एक बात कर लें क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन,
location of ब्रिज, ब्रिज स्ट्रक्चरल फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें तो पहला आता है आपका बिलो द डेक्लाइन, दूसरा आता है अबव द डेक्लाइन, तीसरा आता है ऑन द डेक्लाइन। अब इस ये क्या बेसिकली क्या मतलब है कहने का, देखिए डेक्लाइन जो है आपकी वो किसी भी ब्रिज की जो ये है ना जो पाथवे है इसको बोलते हैं डेक। तो मतलब कहने का है कि बिलो द डेक्लाइन भी हम मतलब लोकेशन क्या है ब्रिज स्ट्रक्चरल फॉर्म की, तो उसके हिसाब से जो अगर डिवाइड करें तो बिलो द डेक्लाइन जैसे आपने कहीं स्ट्रक्चर देखा होगा कि कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का जो कि मोस्टली आपको आर्चेज के केस में दिखा होगा। अगर इसको आर्च का एग्जांपल ले लें तो आर्च जो है बेसिकली वो अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म की लोकेशन के बेसिस पे डिवाइड करें तो उसमें आएगा बिलो द डेक्लाइन, ठीक है। अब अगर सिंपली अगर ऐसे ही अबव द डेक्लाइन की बात कर लें तो देखिए ऐसा है स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये केबल स्टेट ब्रिज ही है, तो ये जो है आपका ये भी आपका ये आपका अबव द डेक्लाइन है। ऑन द डेक्लाइन मतलब कि जो डेक्लाइन ही है आपकी वही आपका पाथवे का काम कर रहा है, वही आपका ब्रिज का काम कर रहा है। जैसे कि आप छोटी छोटी जगहों पे मान लीजिए एक छोटा सा ऑब्स्टिकल है उसको क्रॉस करने के लिए ब्रिज बना दिया गया तो बस उस पर कॉन्क्रीट स्लैब ही डाल दी गई तो वो आपका ऑन द डेक्लाइन में आ जाता है। जैसे स्लैब टी बीम वाला ब्रिज, RCC आपका, तो ये सब आपके ऑन द डेक्लाइन में आ जाते हैं। तो ये आपका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेज है इसमें, क्योंकि ब्रिजेज को अगर क्लासीफाई करें बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो इसमें जो मेनली हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका मटेरियल के बेसिस पे जो क्लासिफाई करे गए हैं, ठीक है ब्रिजेज, क्योंकि मटेरियल अगर देखें, यूजेज देखें, स्पैन देखें तो हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इंटर रिलेट करते हैं डिजाइनिंग के टाइम पे। और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट है जो हम टीचिंग पर्पज़ या लर्निंग पर्पज़ को कहें तो उसमें जो है मटेरियल बेसिस पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम आगे डिजाइनिंग प्रोसेस देखेंगे, इसके बाद हम आगे आपका जो IRC कोड्स हैं जो आपके स्टैंडर्ड कोड्स अप्लाई होते हैं, उसके बाद जो डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स होते हैं ब्रिज में, और फर्दर आगे उसकी डिजाइनिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। और आपको अगर इतना लेक्चर पसंद आया, अगर कोई भी डाउट हैं, अगर कोई भी कमेंट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट @ YouTube, एंड थैंक यू सो मच।